हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आप VI का सिम कार्ड रिप्लेस करते हो तो आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो देखिए, आप मुझे एक प्रॉब्लम आई है, तो क्या प्रॉब्लम आई है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे सिमेक्स स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन ओपन करके सिमेक्स के ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ पर आपको नंबर डाल देना है। देखिए, यहाँ पर मैं नंबर डाल रहा हूँ। यहाँ पर आपको सिंपली एम पिन डाल देना है। यहाँ पे एम पिन डाल देना है और सिम कार्ड को स्कैन कर लेना है। देखिए, VI का आपका बस जो सिम कार्ड है आपको स्कैन कर लेना है। यहाँ पे स्कैन कर लिया है। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा लोडिंग हो रहा है, तो आप वेट कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन में थोड़ा लोडिंग ले रहा है। यहाँ पे कॉल आ रहा था, इसलिए सो रहा है। देखिए, अब नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आ चुका है। देखिए, देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग हो चुका है। देखिए, प्रोसेसिंग हो रहा है। देखिए, यहाँ पे आपको फिंगर लगा लेना है। यहाँ पे फिंगर से आप आधार कार्ड नंबर डाल देना है। कस्टमर का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे सही से डालना है। देखिए, यहाँ पे डाल दिया है। देखिए, यहाँ पे कस्टमर का नंबर सही से डाल के आपको यहाँ पे फिंगर कनेक्ट कर लेना है। देखिए, यहाँ पे मैंने फिंगर कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे कस्टमर का फिंगर लगाना है। तो देखिए, यहाँ पे सॉरी कंटिन्यू ऐसे लिख के आ चुका था। आपको इस प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, तो आपको सिंपली इस प्रॉब्लम का मतलब है कि आपका जो कस्टमर है उसका सिम कार्ड पहले से EKYC में नहीं है, तो आपको इसको DKYC करनी पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं डायरेक्ट से DKYC करने वाला हूँ। कस्टमर को एक EKYC से पहले से सिम लिया नहीं होगा, वो ज़्यादा पुराना होगा इसीलिए ऐसा आ जाता है। तो देखिए, अब मैं आधार कार्ड का EKYC करके दिखाने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे कस्टमर का आधार कार्ड का फोटो कैप्चर कर लेना है। देखिए, यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे OTP चला जाएगा, जो अल्टरनेट नंबर दिया है उस पर आपको स्लिप कर लेना है। देखिए, यहाँ पे आपको जो यहाँ पे आपका जो रिटेलर है, रिटेल का फोटो लगा लेना है। देखिए, यहाँ पर लगा लिया है। यहाँ पे सबमिट हो चुका है। देखिए, यहाँ पे कस्टमर के पास OTP एक आएगा। यहाँ पे OTP अपने आप स्लिप हो जाएगा और यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप ऐसे करके सिमेक्स कंप्लीट कर सकते हो।